हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क एंड हिल रेंज। तो नेशनल पार्क कौन कौन से, नेशनल पार्क कौन कौन से हिल रेंज में, वैली एरिया में एंड सिचुएटेड है, एंड कौन कौन से नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या हिल रेंज है, वो सब आज हम अलग से डिस्कस करेंगे। नहीं तो जहां पे हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है नेशनल पार्क का, उसके अंदर सब कुछ है, बट यहाँ पे रिवर एंड हिल रेंज को हमने अलग अलग से डिस्कस किया, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नेशनल पार्क के अंदर रिवर क्या क्या है वो हमने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, एंड सभी नेशनल पार्क के अंदर हिल रेंज क्या क्या है एंड कौन कौन से हिल रेंज के अंदर क्या क्या नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो विच नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच हिल रेंज एंड वैली एरिया, ये है आज का मेन टॉपिक, नेशनल पार्क एंड हिल रेंज। तो एट फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन द पापी हिल ऑफ ईस्टर्न घाट। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, पापी हिल एरिया में, जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। तो जो जो नेशनल पार्क हिल एरिया से रिलेटेड है वो ही आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हिल एरिया नहीं है, हिल रेंज नहीं है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा नेशनल पार्क कौन से हिल एरिया में सिचुएटेड है, पापी हिल ऑफ ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्या है, श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, इट इज स्प्रेड ओवर सेसाचलम हिल एंड द तिरुमला हिल ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हिल है, सेसाचलम हिल एंड तिरुमला हिल, यहाँ पे ये श्री वेंकटेश्वरा जो नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है। तो पापीकोंडा पापी हिल एंड श्री वेंकटेश्वरा जो नेशनल पार्क है, सेसाचलम हिल एंड तिरुमला हिल। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो मॉलिंग नेशनल पार्क है, ये मॉलिंग पीक इसके नाम से हुआ है। तो मॉलिंग जो पीक है इस नेशनल पार्क के अंदर है। नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड बिटवीन द दाफाबम रिज ऑफ द मिसमी हिल एंड द पाटकई रेंज। तो ये भी मिसमी हिल एंड पाटकई रेंज के अंदर जो दाफाबम रिज है वहां पे ये सिचुएटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आसाम। आसाम में दिहिंग पाटकोई नेशनल पार्क लोकेटेड इन द फुटहिल ऑफ पाटकोई हिल एंड दिहिंग रिवर। तो दिहिंग एंड पाटकोई ये दो नाम हुआ है एक हिल रेंज और एक रिवर से। दिहिंग है रिवर एंड पाटकोई है हिल रेंज, जो जिसके फुटहिल एरिया में ये मेनली सिचुएटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क लाइज इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये भी ईस्टर्न हिमालयन का पार्ट है। मानस नेशनल पार्क ये भी हिमालय का फुटहिल एरिया में सिचुएटेड है। नामेरी नेशनल पार्क ये भी ईस्टर्न हिमालय का फुटहिल एरिया में सिचुएटेड है। रायमोना नेशनल पार्क ये भी हिमालय का फुटहिल एरिया में सिचुएटेड है। तो आसाम मेनली हिमालय का जो फुटहिल एरिया है उस जगह पे ही है, तो इसलिए सभी नेशनल पार्क हिमालय के फुटहिल एरिया में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये नर्मदा वैली एरिया में सिचुएटेड है। तो हमने कहा आज हिल रेंज एंड वैली एरिया दो ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क नर्मदा वैली एरिया में सिचुएटेड है। गोवा का जो मोल्लेम नेशनल पार्क है ये वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है। झारखंड का जो बेतला नेशनल पार्क है ये छोटानागपुर प्लेटो एरिया में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे थ्री इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इस स्लाइड में है, जैसे छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क नर्मदा वैली में सिचुएटेड है, गोवा का मोल्लेम नेशनल पार्क लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, एंड झारखंड बेतला नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द छोटानागपुर प्लेटो। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कुल्लू वैली में सिचुएटेड है। जो इम्पोर्टेंट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो कुल्लू वैली में सिचुएटेड है। इंदर किला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू वैली में सिचुएटेड है। खीरगंगा नेशनल पार्क ये भी कुल्लू वैली में सिचुएटेड है, एंड सिंबलवाला नेशनल पार्क ये पाउंटा वैली में सिचुएटेड है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है ये मेनली सभी वैली एरिया में सिचुएटेड है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू वैली, इंदर किला, खीरगंगा सेम, एंड सिंबलवाला सिर्फ अलग है पाउंटा वैली। जम्मू एंड कश्मीर का दाचीगम नेशनल पार्क लोकेटेड इन द जावरवन रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय का जो जावरवन रेंज है वहां पे ये दाचीगम नेशनल पार्क सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क। इट इज ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया दैट इज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय, बाउंडेड ऑन द साउथ बाय जास्कर रेंज।
ये जास्कर होगा, जास्कर रेंज। तो हेमिस नेशनल पार्क एक ओनली नेशनल पार्क है जो ग्रेट हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है एंड साउदर्न पार्ट से ये बाउंडेड है कौन से रेंज के द्वारा, जास्कर रेंज के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये एक ऐसा ओनली नेशनल पार्क है जो ग्रेट हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है। कर्नाटक का है बानेरघाटा नेशनल पार्क, इट इज पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है फॉर एलिफेंट विच कनेक्ट बिल्लीगिरी रामगंगा हिल एंड सत्यमंगलम फॉरेस्ट। तो ये दो फॉरेस्ट एरिया एंड हिल एरिया के अंदर ये एक एलिफेंट कॉरिडोर के रूप से काम करता है। नेक्स्ट है केरला, केरला में आनामुदी शोला नेशनल पार्क लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट। आनामुदी इज द हाइस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया लोकेटेड इन दिस पार्क एंड एराविकुलम नेशनल पार्क। तो एराविकुलम नेशनल पार्क एंड आनामुदीशोला नेशनल पार्क, यहाँ पे जो आनामुदी जो है हाईएस्ट नेशनल पार्क वो यहाँ पे सिचुएटेड है एंड मेनली वेस्टर्न घाट के अलाउ ये लोकेटेड है। एराविकुलम नेशनल पार्क ये भी वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। माथिकेतनशोला नेशनल पार्क ये भी वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है। पामदमशोला नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ पालानी हिल ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला का जो सब नेशनल पार्क है ये मेनली वेस्टर्न घाट में है, केरला वेस्टर्न घाट के साइड में सिचुएटेड है, तो इसलिए यहाँ का जो नेशनल पार्क है ये सब मेनली वेस्टर्न घाट का पार्ट है। इसके अंदर पामदमशोला नेशनल पार्क जो है ये पालानी हिल जो है केरला एंड तमिलनाडु उसका पार्ट है ये। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में है, तो सेंट्रल इंडिया में मेनली क्या क्या रेंज है, विंध्यन रेंज है, सातपुरा रेंज है, ये सब है। तो यहाँ पे जो सब नेशनल पार्क हम देखेंगे उसके अंदर ये सब रेंज ही होगा, जैसे विंध्यन रेंज, सातपुरा रेंज, ये सब। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड एट विंध्यन रेंज। तो रेंज आप अच्छे से याद रख सकते हो कैसे, कौन सा रेंज कौन से जगह पे सिचुएटेड है इंडिया के, ये अगर आपको पता चलता है तो कौन सा नेशनल पार्क कौन से रेंज के अंदर हो सकता है वो आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे वेस्टर्न घाट के साइड में ही केरला, तो केरला का मोस्ट ऑफ नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट का पार्ट है। आसाम में ईस्टर्न हिमालय के साइड में, हिमालय के फूटहिल एरिया में, तो मोस्ट ऑफ नेशनल पार्क ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में है, तो वहां पे जास्कर रेंज है और भी हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालयन है, तो उन सब एरिया का पार्ट है। तो कौन कौन सा रेंज इंडिया में कौन कौन सी जगह पे सिचुएटेड है अगर आपको अच्छे से याद रहता है तो कौन सा नेशनल पार्क कौन से रेंज का पार्ट हो सकता है वो भी आपको अच्छे से याद रहेगा। तो मध्य प्रदेश में मेनली हम विंध्यन रेंज देखेंगे एंड सातपुरा रेंज देखेंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड एट विंध्यन रेंज। डायनासोर फॉसिल्स जो नेशनल पार्क है वो नर्मदा वैली एरिया में सिचुएटेड है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड इन द सातपुरा रेंज। कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड मैकाल रेंज ऑफ सातपुरा, सातपुरा का जो मैकाल रेंज है वहां पे। मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द नर्मदा वैली। सातपुरा नेशनल पार्क इसका नेम ही सातपुरा रेंज से हुआ है, तो सातपुरा रेंज में ही ये लोकेटेड है एंड इसके अंदर धूपगढ़ जो है पीक वो हम देखते हैं इस नेशनल पार्क के अंदर। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है विंध्यन रेंज में, डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क दो ही है नर्मदा वैली, सातपुरा नेशनल पार्क ऑब्वियसली सातपुरा रेंज में ही है एंड पेंच नेशनल पार्क ये भी सातपुरा रेंज में है। नेक्स्ट हम आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क लोकेटेड इन द अमरावती रीजियन। तापी रिवर एंड गाइलगढ़ हिल ऑफ सातपुरा रेंज फॉर्म इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो है गुगामल नेशनल पार्क। यहाँ पे हम सातपुरा रेंज का हिल एंड तापी रिवर ये देखते हैं। चांदोली नेशनल पार्क लोकेटेड इन शारजी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। तो शारजी रेंज में सिचुएटेड है चांदोली नेशनल पार्क। मेघालय का है बलपक्रम नेशनल पार्क लोकेटेड साउथ ऑफ गारो हिल इन मेघालय क्लोज टू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो बलपक्रम नेशनल मेनली गारो हिल के साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है मेघालय का। नेक्स्ट है नोकरेक नेशनल पार्क लोकेटेड क्लोज टू तुरा पीक इन वेस्ट गारो हिल। नोकरेक नेशनल पार्क मेनली वेस्ट गारो हिल का जो तुरा पीक है वहां पे लोकेटेड है एंड बलपक्रम नेशनल पार्क साउथ गारो हिल में मेनली लोकेटेड है। मिजोरम का है मुलेन नेशनल पार्क लोकेटेड क्लोज टू चीन हिल ऑफ म्यांमार, म्यांमार का क्लोज है ये एंड फागनपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कवर इंटर फानपुई माउंटेन और ब्लू माउंटेन द हाइस्ट पीक ऑफ मिजोरम। मिजोरम का जो हाइस्ट पीक है पूरा ये कवर करता है ये फागनपुई जो माउंटेन है इसको एंड नागालैंड का इंटमकी नेशनल पार्क नियर द वेस्टर्न
वेस्टर्न पेरिफेरी ऑफ बारेल रेंज, बारेल रेंज का वेस्टर्न पार्ट में मेनली लोकेटेड है। ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट के साइड में है ओडिशा, तो इसलिए ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। राजस्थान का सरिस्का नेशनल पार्क अरावली रेंज में, राजस्थान में है अरावली रेंज, तो पार्ट ऑफ द अरावली रेंज एंड काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन, तो राजस्थान का सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये अरावली रेंज का पार्ट है। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम का है कांचनजंगा नेशनल पार्क, तो इसके नाम से ही पता चलता है कांचनजंगा जो माउंटेन है थर्ड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड वो है, उसके नाम से ही इसका नाम हुआ है, तो कांचनजंगा है मेन माउंटेन यहाँ पे। तमिलनाडु में है अन्नामलाई नेशनल पार्क जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, लोकेटेड इन अन्नामलाई हिल जो है वहां पे ही लोकेटेड है ये। मुरुमलाई नेशनल पार्क इट लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ नीलगिरी हिल, मुरुमलाई नीलगिरी हिल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है मुकुटथी नेशनल पार्क लोकेटेड विद इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो तमिलनाडु मेनली नीलगिरी एरिया में सिचुएटेड है, तो इसलिए अन्नामलाई उसके नाम से ही हुआ है, अन्नामलाई हिल के नाम से। मुरुमलाई एंड मुकुटथी दो ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साइड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है तेलंगाना कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इट इज अ जंगल एमिडेस्ट कॉन्क्रीट जंगल ऑफ जुबिली हिल एंड बंजारा हिल इन हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो जुबिली हिल है एंड जो बंजारा हिल है ये तो हिल एरिया का पार्ट है ये कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है हिल एरिया में ही मेनली सिचुएटेड है, इस जंगल का पार्ट है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, ये तेराई बेल्ट में सिचुएटेड है। उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क, इसके नाम से ही पता चलता है नंदा देवी नेशनल पार्क सिचुएटेड अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी, एंड राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक रेंज एंड द इंडो गैंजेटिक प्लेन यहाँ पे सिचुएटेड है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन वैली इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन जास्कर एंड ग्रेट हिमालय, तो जास्कर रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज का ट्रांजिशन जोन में मेनली ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड है। उत्तराखंड में जो पीक है वो है नंदा देवी, तो इसलिए नंदा देवी नेशनल पार्क उसके अंदर सिचुएटेड है, एंड वैली ऑफ फ्लावर जास्कर एंड ग्रेट हिमालय के बीच में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क, ये ईस्टर्न हिमालय का तेराई बेल्ट में ये मेनली सिचुएटेड है, तो वेस्टर्न हिमालय वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये सभी मेनली ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, हिमालय के फुटहिल एरिया का पार्ट है, तो सभी मोरलेस ईस्टर्न हिमालय के अंदर ही सिचुएटेड होगा। जंदापरा नेशनल पार्क ये भी तोरसा रिवर के बैंक एरिया में सिचुएटेड है एंड फुटहिल ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। नेवरा वैली नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द हिमालय इन द कालिंपोंग, ये भी हिमालय का पार्ट है। सिंगालीला नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द सिंगालीला रिज इन द दार्जिलिंग, इसके नाम से इसका नाम हुआ है, तो ये है पूरा हिल रेंज एंड नेशनल पार्क, मतलब जो जो नेशनल पार्क के अंदर हिल रेंज है एंड जो जो नेशनल पार्क हिल रेंज में सिचुएटेड है वो सब आज हमने एक जगह पे एक करके डिस्कस किया है। तो कौन कौन सा हिल रेंज इंडिया के कौन कौन से पार्ट में सिचुएटेड है अगर ये आपको पता चलता है पहले से, तो कौन कौन सा नेशनल पार्क कौन कौन से हिल रेंज का पार्ट होगा वो आपको बहुत जल्दी याद होगा। जैसे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कौन कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे कौन कौन सा रेंज हो सकता है, जैसे जास्कर रेंज है, नंदा देवी है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, तो वो उसका जो सब नेशनल पार्क है मोरलेस वो सब एरिया का पार्ट होगा, हिमालय का पार्ट होगा। एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब कहाँ पे है, ये ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न जो घाट है उसके साइड में है ईस्टर्न पार्ट में, तो इसका जो सब नेशनल पार्क है मेनली ईस्टर्न घाट का पार्ट होगा। एंड वेस्टर्न घाट के अंदर एक केरला है, तो केरला का मोस्ट ऑफ है वेस्टर्न घाट का पार्ट। एंड आसाम ये भी हिमालय के फुटहिल एरिया में है, तो यहाँ पे हिमालय का पार्ट ही होगा सभी। मिजोरम नागालैंड ये सब यहाँ पे हम गारो खासी जयंतिया मेघालय में ये सब हिल देखते हैं, तो इस सब जगह का जो सब नेशनल पार्क है इस सब हिल का पार्ट होगा। एंड कुछ तो ऐसा नेशनल पार्क है जिसके नाम ही हिल रेंज से हुआ है, तो वो तो अच्छे से याद रहेगा ही आपको। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल पार्क एंड हिल रेंज, कौन कौन से हिल रेंज में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। एंड नेशनल पार्क एंड रिवर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने पहले डिस्कस कर दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताए। एंड इसके बाद नेशनल पार्क रिलेटेड और एक ही टॉपिक है, जैसे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एक साथ सभी नेशनल पार्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ही साथ एक जगह पे डिस्कस करेंगे, तो वो एक ही वीडियो जो है वो बाकी है नेशनल पार्क रिलेटेड। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट करके बताए। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी, एंड
मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।